अब कंस राज तो कानूने नए नए बंधन लगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। तो कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो, बताओ। कोई नहीं बोला, बताओ ना, पिताजी के शासन में सुखी थे या हमारे शासन में ज्यादा सुखी हो, बोलो। कोई उत्तर नहीं आया। एक खड़े होके कहने लगा, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था और तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस बात से हम बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कंस बोला, भरे दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी हैं। और हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। जल्ला दो इन्हें, उठा और ले जा और फांसी लगा, अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार क्यों हुआ, इसलिए तो अवतार हुआ है। कंस से अपने मन की बात कोई नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत आई संत महात्माओं के ऊपर, कंस के शासन सबसे बड़ी आफत टूटी इन महात्मा लोगन पे। क्या दशा बनी महात्माओं की, के हाथन में कला पाई न में कला और बगल न में रस्सी पड़ी भई। के शासन में महात्मा की दुर्दशा शुरू हो गई। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यास जी, जो आपने कथा के मध्य में हमें समय